Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Python programming and today is day 8. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं loops. अगर आपने programming कभी भी की होगी तो शायद आपने ये word सुना होगा, क्योंकि ये बहुत famous topic है programming में. आप किसी भी language में programming सीखो, आपको loops के बारे में पढ़ना ही पड़ता है. ठीक है, so loops या फिर आप इसको iteration control block भी बोलते हैं. ये क्या होता है? अगर आप definition के ऊपर जाओ तो मैं आपको एकदम simple words में समझाता हूँ. अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी काम रिपीटेडली करना है, बार बार करना है सेम काम, तो आप उसको लूप के अंदर डालते हो. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को पता है कि लूप्स कैसे चलाए जाते हैं, कैसे उसका कोड किया जाता है, बट बहुत कम स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि लूप्स एग्जैक्टली कहाँ यूज होते हैं. सो हम दिन भर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. कैन यू इमेजिन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर सोच के देखो जहां पे लूप्स यूज होते हैं. मैं आपको अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ. व्हेन आई वाज सिटिंग इन प्लेसमेंट्स, मुझसे पूछा गया था कि लूप्स कहाँ यूज होते हैं, और उस टाइम पे सिंस आई वाज नॉट वेरी मच इनटू प्रोग्रामिंग, मैंने एक बहुत ही नवाइस आंसर दिया, बहुत ही बेसिक आंसर दिया. मैंने बोला टेबल्स प्रिंट करने में, एंड जो रिएक्शन था एचआर का वो देख करके मतलब क्लियरली मुझे समझ में आ गया कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाला. ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि लूप्स कहाँ यूज होते हैं. ठीक है, कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका यूज कहां पर है रियल वर्ल्ड में. ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि पाइथन में कितने टाइप्स के लूप्स हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले समझना है हमें कि लूप्स कहां यूज करना चाहिए. ठीक है, मैं आपको एक इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आप ये एग्जाम्पल अपने एचआर के सामने दोगे फॉर श्योर आपका जॉब लग जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे सामने एक वेब पेज है फ्लिपकार्ट का, और यहां पे मैंने सर्च कर रखा है मी मोबाइल्स, रेडमी कंपनी के फोन्स. सो इस पॉइंट पे अगर आप देखो इस पेज में देर आर 411 रिजल्ट्स. ठीक है, यहां पे 411 फोन्स का डिटेल है. ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, आप समझने का ट्राई करना. सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एक पूरा एरिया है जहां पे एक फोन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मतलब फोन का इमेज, फोन का डिस्क्रिप्शन और फोन का प्राइस, इस पूरे एरिया को मैं कंटेनर बोलूंगा. ठीक है, इसका मतलब इस पेज में टोटल मिला के 411 कंटेनर्स है. ठीक है, अब लेट मी आस्क यू टू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन, कोई भी दो कंटेनर्स को अगर आप उठाओ, जैसे कि ये पहला कंटेनर है मी 10i और ये दूसरा कंटेनर है Redmi 9. आपको सोचना है और आपको बताना है कि इन दोनों कंटेनर्स में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है. सो अगर आप थोड़ा भी देखो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि दोनों का कंटेंट डिफरेंट है, इमेज अलग है, डिस्क्रिप्शन अलग है और प्राइस भी अलग है. राइट, अब अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों कंटेनर्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बट आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों कंटेनर्स के बीच का सिमिलैरिटी ये है कि जो तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराया जा रहा है वो दोनों में सेम है. लेफ्ट साइड में दोनों जगह पर इमेज है, सेंटर में दोनों जगहों पे डिस्क्रिप्शन है, और राइट साइड में दोनों ही जगहों पर प्राइसेस है. राइट, अब अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर आप इस वेब पेज को क्रिएट कर रहे होते, डिजाइन कर रहे होते, तो आप कितने कंटेनर्स बनाते? अगर आपका आंसर 411 है तो आप गलत हो, क्योंकि अगर आप 411 कंटेनर्स बना रहे हो तो ये बहुत एफिशिएंट टेक्निक नहीं है ये पेज बनाने का. कल को अगर 50 फोन्स और आ जाएं तो आपको 50 और कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे. कल को अगर 100 फोन्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं तो आपको और 100 कंटेनर्स हटाने पड़ेंगे, और ये तो फोन्स है. व्हाट अबाउट टी शर्ट्स, जहां पे आपके पास लाखों में प्रोडक्ट्स होंगे, तो क्या आप लाखों कंटेनर्स बनाओगे? द आंसर इज नो. जब भी आप कोडिंग करोगे आप सिर्फ एक सिंगल कंटेनर बनाओगे, एक सिंगल कंटेनर, और आप क्या करोगे, उस कंटेनर को लूप में डाल दोगे. आप डेटाबेस से डेटा फेच करोगे, डेटाबेस में जितने प्रोडक्ट्स हैं आपका लूप उतनी बार घूमेगा और हर बार कंटेनर प्रिंट होता चला जाएगा. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जहां पे आपको क्लियर कट अप फ्रंट समझ में आ सकता है कि लूप्स कितने यूजफुल है. राइट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आई गेस आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जोमैटो अपने रेस्टोरेंट्स दिखाने के लिए क्या टेक्निक यूज करता होगा. सो जोमैटो में सारे रेस्टोरेंट्स का डिस्क्रिप्शन सिमिलर होता है. ये देखो, ये सारे कंटेनर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, बस डिफरेंस क्या है, डेटा में.
जो चीज दिखाई जा रही है, जो फॉर्मेट है वो सिमिलर है. आप डेटाबेस से ये सारा डेटा उठाओगे, एक सिंगल कंटेनर को लूप में डालोगे और प्रिंट करते चले जाओगे. ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको शायद OLX कैसे काम करता है वो भी समझ में आ गया, आपको Instagram कैसे काम करता है वो भी समझ में आ गया. सो कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आप जा रहे हो और वहां पे किसी भी फॉर्म में प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं या फिर न्यूज फीड का ऑप्शन है, दे आर यूजिंग लूप्स. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दैट यू कैन गिव इन फ्रंट ऑफ योर HR. अगर आपने ये एग्जांपल दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने पहले से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है. ठीक है, तो नाउ दैट वी नो कि लूप्स क्या होते हैं और लूप्स कैसे काम करते हैं और कहां काम करते हैं, अब हम लोग पाइथन के ऊपर फोकस करेंगे और समझेंगे कि पाइथन में लूपिंग कैसे की जाती है. सो अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन में दो तरीके के लूप्स होते हैं. बाकी लैंग्वेजेस में जनरली तीन लूप्स होते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा. पहला होता है वाइल लूप, फिर होता है डू वाइल लूप, और तीसरा होता है फॉर लूप. इसके अलावा कभी कभी कुछ और लैंग्वेजेस में थोड़े और स्पेशल लूप्स होते हैं, जैसे कि फॉर इन लूप या फॉर ईच लूप्स. ये सब जावा, PHP और जावास्क्रिप्ट टाइप के लैंग्वेजेस में होते हैं. पाइथन में सिर्फ दो लूप्स होते हैं, पहला वाइल लूप और दूसरा फॉर लूप. इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे और अगले वीडियो में विल गो फॉर लूप. ठीक है, तो वाइल लूप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है. हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जहां पे हम यूजर से पूछेंगे कि उसको कौन से नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, और हम उस नंबर का टेबल प्रिंट करके दे देंगे. ठीक है, मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है. सो अगर आप वाइल लूप का बात करो किसी भी और लैंग्वेज में, जैसे कि सी, तो वाइल लूप के बाद आप एक ब्रैकेट लगाते हो और फिर आप कंडीशन लिखते हो और फिर आप ब्रैकेट लगा के यहां पर कोड लिखते हो. दिस इज अ सिंटेक्स विच इज जनरली यूज्ड इन सी और जावा और इस तरह की लैंग्वेजेस. पाइथन थोड़ा डिफरेंट है. पाइथन में वाइल के बाद ब्रैकेट ना लग करके स्पेस होता है और फिर वहां पे कंडीशन होता है, और कंडीशन खत्म होता है कोलोन से, और उसके बाद आप इंडेंटेशन दे करके कोड लिखते हो. सो ये ऊपर वाला कोड सी प्रोग्रामिंग में यूजफुल है और ये वाला कोड पाइथन में. ठीक है, अब मैं आपको वो छोटा सा एप्लीकेशन बना के दिखाता हूं टेबल प्रिंट कराने का. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर मांगेंगे यूजिंग द इनपुट फंक्शन. हम बोलेंगे एंटर द नंबर और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज हमें उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है. आपको ऑलरेडी पता है कि इनपुट का आउटपुट जो मुझे मिलता है प्रोग्रामर को वो स्ट्रिंग होता है. सो मैंने टाइप कन्वर्जन कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लूंगा आई और इसका इनिशियल वैल्यू रख दूंगा 1. ठीक है, फिर मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा और मेरा कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन होगा आई लेस देन 11. जब तक आई का वैल्यू 11 नहीं है तब तक इस लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और मुझे सिंपली क्या प्रिंट करना है, नंबर टाइम्स आई, एंड दैट्स माई कोड. अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया, अगर हमने इतना भी छोड़ दिया होता तो इनफाइनाइट लूप हो जाता. आपको आई को बढ़ाते भी जाना है हर बार आइटरेशन में, एंड दैट्स द कोड. सो अगर मैंने 11 दिया, ये रहा मेरा आंसर, 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110. ठीक है, एक बार मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं ये कोड कैसे काम कर रहा है. इनिशियली आई का वैल्यू 1 है, हमने वाइल लूप में घुसे हम और हमने पूछा क्या आई का वैल्यू अभी 11 से कम है, 1 लेस देन 11 ट्रू है, तो हम अंदर चले गए और हमने नंबर का जो वैल्यू था विच वॉज 11 और आई का जो करेंट वैल्यू था 1, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दिया, इसलिए 11 प्रिंट हो गया. फिर हमने आई का वैल्यू बढ़ा दिया, अब आई का वैल्यू 2 हो गया है. फिर से हम यहां पर आए, 2 लेस देन 11 अभी भी ट्रू है, तो हमने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया करेंट वैल्यू ऑफ आई से, मतलब 11 इंटू 2 22 प्रिंट हो गया. ऐसे करते 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 आप 99 तक चले गए, और मान लो इस पॉइंट पे आई का वैल्यू, मान लो इस पॉइंट पे आई का वैल्यू 9 है, तो 9 लेस देन 11 अभी भी ट्रू है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई, 11 मल्टीप्लाइड बाय 9, 99 प्रिंट हो गया, आई का वैल्यू बढ़ के 10 हो गया. फिर हम ऊपर गए, 10 लेस देन 11 अभी भी ट्रू है, तो नंबर इज 11, आई का करेंट वैल्यू इज 10, 110 प्रिंट हो गया, आई का वैल्यू बढ़ गया और अब 11 हो गया, और अब ये कंडीशन हो गया 11 लेस देन 11 विच इज फॉल्स, इसलिए आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ
और सिंस इसके आगे कोई कोड नहीं था, आपका कोड टर्मिनेट कर गया एंड दिस इज योर आंसर। अब आप चाहो तो इसको और थोड़े अच्छे तरीके से फॉर्मेट करके प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि आप ये लिख सकते हो नंबर कॉमा टाइम्स कॉमा आई कॉमा इक्वल टू कॉमा, मुझे चाहिए 24 का टेबल और ये रहा 24 का टेबल, ठीक है। एंड बस इतना ही है, व्हाइल लूप इज वेरी सिंपल, मतलब इट्स टू इजी, मतलब आपको बस एक कंडीशन फॉलो करना है, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगा आपका लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा ऐप बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे गेसिंग गेम का, ठीक है, जहां पे हम अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग वाइल लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी यूज करेंगे जिसका नाम है रैंडम। सो वो वीडियो हम लोग वो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।